press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूं प्रदीप दुबे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा सिविल रिपोर्ट के बारे में। सिविल रिपोर्ट होता क्या है, सिविल रिपोर्ट से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा। फिर आपको बताना चाहते हैं कि सिविल रिपोर्ट एक तरीके का लेखा जोखा होता है। जैसे कि मान लो अगर आप बैंक से लोन लेते हो, टाइम पे हफ्ता पे करते हो, तो बैंक के रिकॉर्ड में आपका जो सिविल है, आपका जो लेन देन है, वो गुड क्वालिटी हो जाता है, अच्छा हो जाता है। कभी भी आप अगर लोन दोबारा लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। बैंक वहाँ पे रजिस्टर कर देता है और सिविल वेरो को सौंप देता है कि ये बंदा जो है लोन लिया था, टाइम पे पेमेंट किया है और इसका रिकॉर्ड अच्छा है और आपका जो सिविल है इस तरीके से जनरेट होता है। और आप लाइफ में कभी भी पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड और भी काम अगर आप करना चाहेंगे तो आसानी से आपका सिविल रिपोर्ट चेक करके आपको आसानी से मिल सकता है। अगर फ्रेंड आप जो है बैंक से लाख रुपये लीजिए, चाहे 50,000 लीजिए, चाहे 10,000 लीजिए, या आप कोई मोबाइल फाइनेंस करवाइए, अगर उसका हफ्ता आप टाइम पे नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम पड़ती है कि आपका जो सिविल रिपोर्ट है वो ख़राब कर दिया जाता है। और आपको मालूम है कि अगर आपका सिविल रिपोर्ट एक बार ख़राब हो गया तो फिर आप लाइफ में कभी भी लोन नहीं ले सकते हैं। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने कभी बैंक से लोन लिया है, टाइम पे हफ्ता पे नहीं किया है, तो आपका सिविल रिपोर्ट ख़राब हो गया। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि अगर आपका सिविल रिपोर्ट ख़राब हो चुका है तो कैसे आप चेक करें। फ्रेंड, अगर आपका सिविल रिपोर्ट ख़राब हो चुका है तो आप paisabazaar.com पे जाके वहाँ पे सिविल रिपोर्ट का ऑप्शन चूज़ कीजिएगा और वहाँ पे क्लिक करके अपना पैन कार्ड का नंबर, अपना मंथली इनकम, आप जॉब करते हैं कि पर्सन है या बिजनेसमैन है, आप सब कुछ फिल करके अपना पिन कोड, एरिया, एड्रेस डाल के आसानी से आप अपना सिविल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना सिविल रिपोर्ट चेक करना है तो paisabazaar.com पे आप जाइए, वहाँ पे आसानी से आप देख सकते हैं। फ्रेंड, ये तो हो गया आपको सिविल रिपोर्ट के बारे में, आप कैसे चेक कर सकते हैं और भी जानकारी मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने बैंक से लोन लिया और हफ्ता टाइम पे नहीं किया और आपका सिविल रिपोर्ट ख़राब हो गया तो आप सिविल रिपोर्ट को कैसे सुधार कर सकते हैं, फिर से अपने सिविल रिपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड, आपको मैं एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप जो है अपने सिविल रिपोर्ट आपका ख़राब हो चुका है तो आपको एक बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड, आप होम क्रेडिट से एक मोबाइल फाइनेंस करवाइए, होम क्रेडिट कंपनी से आप एक मोबाइल फाइनेंस करवाइए, 9,000-10,000 रुपये का मोबाइल फाइनेंस करवाइए और उस मोबाइल का हफ्ता टाइम पे आप पे कीजिए। जो भी आपका सिविल रिपोर्ट ख़राब हुआ होगा वो ऑटोमेटिक होम क्रेडिट जो है सुधार कर देगा और आपका सिविल रिपोर्ट पहले की तरह फिर से हो जाएगा। आसानी से आप फिर से अपना लोन, हर काम कर सकते हैं। फ्रेंड, लाइफ में सब कुछ करना, कभी भी अगर आप बैंक से लोन लेते हैं या पर्सनल लोन लेते हैं या होम लोन या बाइक लोन या कोई भी लोन लेते हैं फ्रेंड, तो आप हफ्ता अपना टाइम पे कीजिएगा, नहीं तो आपका सिविल रिपोर्ट ख़राब हो जाएगा। लाइफ में कभी भी अगर आपके घर में शादी है, कोई भी काम है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो कभी आप लोन नहीं ले पाएंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, कभी भी लाइफ में अगर आपके अंदर ऐसी भावनाएं हैं कि मैं लोन लेना चाहता हूं तो टाइम पे हफ्ता पे कीजिए फ्रेंड, नहीं तो आपका सिविल रिपोर्ट ख़राब कर दिया जाएगा और आप किसी काम के लायक नहीं रहोगे, फिर आप कभी लोन नहीं ले पाओगे। फ्रेंड, मेरा आपसे यही आप लोग से यही निवेदन है कि अगर आपका सिविल रिपोर्ट ख़राब हो चुका है तो होम क्रेडिट से आप एक मोबाइल फाइनेंस करवाइए
और उस मोबाइल को आपको अगर नहीं लेना, किसी को बेच दीजिए और आप उसका हफ्ता टाइम पे अपने बैंक से ऑटो डेबिट करवाइए। और एक बार अगर आपका सिविल रिपोर्ट तैयार हो गया तो फिर आपका सिविल रिपोर्ट ख़राब नहीं होगा। और फ्रेंड आपको एक बात और बताना चाहते हैं फ्रेंड, जब भी आप अपना लोन, पर्सनल लोन कुछ भी लें, सबसे पहले फ्रेंड अपना सिविल रिपोर्ट ज़रूर चेक करें paisabazaar.com पे कि आपका सिविल रिपोर्ट कितना बना है, कितना है फ्रेंड। तो आपको इससे क्या है ना, एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरा सिविल रिपोर्ट इतना है। क्योंकि फ्रेंड कभी भी आप अगर लोन लेते हैं तो सिविल रिपोर्ट देखकर ही आपका लोन आपको दिया जाता है। बिना सिविल रिपोर्ट के आप लोन नहीं ले सकते हैं। अगर आपका सिविल रिपोर्ट ख़राब है तो आपको कोई ना कोई बहाना करके आपको लोन नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड मैं आपको यही बातें बताना था जो मैंने आपको बता दिया है, और ये वीडियो में लेकर आऊँगा। सिविल रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिविल रिपोर्ट होता क्या है, सिविल रिपोर्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फ्रेंड मन में और कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। फ्रेंड हमारे संग बने रहिएगा। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड, और सब्सक्राइब अगर आप करके ही जाना हमारे चैनल को फ्रेंड। और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।